पहली बार लगेगा मतलब स्टार्ट होगे। पब्लिक ये नहीं देखती अगर डीजे, अभी तुमने मतलब मुरादाबादी कांवड़ यात्रा में देखा होगा जी, पब्लिक ये नहीं देखती कि किसी के में 20 बेस लग रही है, तो काफ़ी देखी थी मैंने टाटा वहाँ पर 20 बेस की थी, हमारी में आज तक 20 लगी नहीं है। अच्छा, तो अब बिल्कुल ठीक है, आज मैं जिम गया था। अच्छा, तो आधा इंच का फर्क सा आ गया थोड़ा सा पंप हो रहा है अभी से ही। और अभी तक मैंने अपने टाटा में मिड प्रेशर यूज नहीं किए हैं आज तक, ये भी हमारी कोशिश रही कहीं हमें अभी बेस पर ही काम करना, बेस पर ही काम करना, तो इसलिए हमने ज़्यादातर बेस पर ही काम किया है। बाकी अब वाइब्रेशन पे बहुत काम कर चुके हैं हम, तो थोड़ा आवाज़ पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब अब जो है वाइब्रेशन पे अपना कंप्लीट हो चुका है, अब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं कि अब जो है बेस का अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हमें मूव करना है वॉइस की तरफ को। तो कहना चाहूँगा अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ, हमारे राहुल भाई के साथ। बाकी बोलेंगे अनुज भाई, हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं ना, वो हमें इंस्टाग्राम पे जाकर के डीएम करेंगे, जो भी उनके क्वेश्चन होंगे हम एक डेट तय कर लेंगे। लाइक आप लोग जो है अपना कमेंट कर सकते हैं, 5 दिन, आज 20 तारीख, आप 25 तारीख तक कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो धड़कन डीजे से रिलेटेड। बिल्कुल, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना उन सबका आंसर देने के लिए। बिल्कुल, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो उनका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। देखो बिल्कुल, और वो 28 तारीख के बाद में मिल पाऊंगा। देखो मैं 25 के बाद से, तो 25 से कोई बात नहीं, एक से पहले पहले डाल देना आप। अच्छा, उनका कमेंट का रिप्लाई देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप 28 तक ही डीएम कीजिए, जो रहने वाली है वो अपनी ऑडियो टोन ही रहने वाली है। हमें बहुत सपोर्ट किया, देखो राहुल भाई अनुज भैया यूज कर रहे हैं ऑडियोटोन, बट हमारी तरफ से कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, ठीक है जी। बिल्कुल, ऑडियोटोन की तरफ से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। तो पहली तो हमारी ये है, बिल्कुल। उसके बाद 27 की एक टाटा हमारी बुक है मेरठ से ही ब्रह्म। सो फ्रेंड गाइस, फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस सुन रहे हैं, मैं राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल शरण डीजे व्लॉग्स। तो अभी हम लोग आए हुए हैं हमारे अनुज भैया पे, जो कि हमारे धड़कन डीजे के ओनर हैं। तो अनुज भैया, राम राम, पहले तो बताइए कैसे हैं आप? राम राम जी राहुल भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए सब बढ़िया? बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं हमारे मोनू भैया। तो मोनू भैया कैसे हैं आप ये बताइए? बिल्कुल जी बढ़िया। सब बढ़िया, सब सही चल रहा है जी? बढ़िया। अच्छा, अभी जो है हम लोग एक अपडेट लेने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया अपडेट। देखिए अपना कांवड़ यात्रा का जो मेला है अनुज भैया, सभी का बढ़िया तरीके से रहा जी? सभी काम बढ़िया तरीके से हुए सभी के, तो थोड़ा सा कांवड़ यात्रा को लेकर के आप बताइए। पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय श्री राम जी। कांवड़ यात्रा हमारी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पूरी हुई है, और सबसे आपने देखा भी होगा हमारा डीजे आगे चला था। बिल्कुल, इस चीज़ का हमें किसी का विरोध भी सुनने के लिए मिल रहा है। अच्छा, है ना, गलत कमेंट भी मिल रहे कि आप तो आगे आगे भागते रहे। अच्छा, मान लो जैसे कि कोई पीछे से बाहुबली आ रहा है हमें पीटने के लिए या हम उससे डर के आगे भाग रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी जो हमें पैसा दे रही है, जब हमसे वो बोल रहे हैं कि हमें किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं किससे कंपटीशन करना, हमें आगे चलना है। अच्छा, तो हम तो देखो उनकी सुनेंगे, हमें किसी और से क्या मतलब। बिल्कुल, और हमने उनका सुना, हम सब साथ आगे चले, और बहुत अच्छा रहा कि हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा किससे नहीं हुआ, और नहीं हमारा किससे कोई ऐसा कंपटीशन हो कि किसी को हम बदतमीजी वाले गाने चलावे, डायलॉग चलावे, ऐसा कुछ नहीं था हमारे मन में किसी के लिए भी। बिल्कुल जी। अच्छा, अभी देखो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं अनुज भैया, स्वास्थ्य कैसा आपका अभी? अब बिल्कुल ठीक है, आज मैं जिम गया था। अच्छा, तो आधा इंच का फर्क सा आ गया थोड़ा सा पंप हो रहा है अभी से ही। तो आज बाइसेप करा था क्या? बाइसेप ही लगाया था, क्योंकि प्रोटीन वगैरह कुछ बचा हुआ था थोड़ा सामान जो पहले जी, और जेन्युइन सामान था मेरा, वो तैयारी के टाइम का था। अच्छा, तो इसलिए आधा इंच का साइज बढ़ गया आज। अच्छा, मतलब डीजे के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का भी थे पूरा जो हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा शो होगा मुझे इस चीज़ का, लेकिन समय नहीं मिल पाता साउंड की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कांवड़ यात्रा का जो मेला है, लास्ट कल सोमवार था, ऑलमोस्ट सभी जो अपना हरिद्वार का हो गया, मुरादाबाद का हो गया, बरेली, बदायूं, ये सब मेला जो है अपना ओवर हो चुका है जी। बिल्कुल, अब शुरुआत होती है अपने शाकुंभरी मेले, बीच में अपनी यात्रा पड़ेगी जन्माष्टमी और एक गणेश विसर्जन की भी। तो देखिए पहले हम दोनों यात्राओं को अपना कवरअप कर लेते हैं कि जो अपनी जन्माष्टमी है और गणेश विसर्जन है उसको लेकर के क्या अपडेट है। बिल्कुल, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कांवड़ यात्रा को लेकर जी। पहले हमारे जो है हरिद्वार की कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने से पहले एक बरेली की बुक बजाई हमने कांवड़ यात्रा की, 22 तारीख को। हाँ जी जी, 22 तारीख का जल था जी। तो एक नंबर, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। और उसके बाद फिर हम 2 तारीख में, जैसे यहाँ पर हमारा ट्रोला खुला, 2 तारीख को ही हमने टाटा निकाल दी 2, तो 2 की रात से फिर स्टार्ट हो गया 5 का जल था बरेली में। हाँ, 3 सोमवार का, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी रही हमारी यात्रा जी। उसके बाद 12 का जल, फिर कल जो है मतलब 19 का जल था जी। तो सारी यात्राएं इतनी अच्छी हुई हैं उस साइड की हमारी। और एक चीज़ और, वहाँ के हिंदुओं में इतनी एकता, इतना प्यार देखने के लिए मिला हमें। बिल्कुल, कि जैसा हमारे यहाँ पर हो रहा है ना जी, कि बिरादरी के गाने को लेकर एक डीजे वाले से लड़ते हैं, मतलब जैसे मान लो किसी का गाँव में, किसी भी बिरादरी का मैं नाम नहीं लूँगा जी, वो अपना गाना चलवाने के लिए मतलब डीजे साउंड वालों से लड़ रहे हैं, तो ये गलत नहीं है राहुल भाई?
बहुत गलत है। तो जैसे उधर हमें एकता देखने के लिए मिली सभी में, वहाँ पर कोई जाति बिरादरी का भेदभाव कहीं से कहीं तक है ही नहीं जी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ रहना चाहिए। अब तो मान लो जैसा इस बार हुआ है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये डीजे वीजे सब बंद हो जाएंगे इधर से आने। अच्छा, है ना, क्योंकि मान लो हर कोई अपने गाने बजवाएगा अगर ऐसा, और बदतमीजी करेगा डीजे वालों के साथ में, तो फिर देखो बंद ही हो जाएंगे, फिर डीजे वाले मना ही कर देंगे जाने के लिए। सही बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल, जिस भगवान की यात्रा है अपने उन्हीं भगवान के गाने चलने चाहिए भाई। आप अगर आपको गाने ही बजवाने हैं तो आप खुद पर्सनल अपना डीजे बुक करो, कांवड़ यात्रा कांवड़ ले जाओ, जल ले जाओ। अच्छा, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे जाके जल चढ़ाओ, अपने गाने बजवाओ अपनी बिरादरी के। बिल्कुल सही। लेकिन किसी और ने मान लो डीजे बुक रखा, ये नहीं है कि कोई एक ही बिरादरी ज्यादातर लेके जाते हैं बड़ा डीजे, सारे भाई सारी बिरादरी के मिलकर लेके जाते हैं। तो उसमें जो है भोले बाबा के ही भजन चलने चाहिए, ये नहीं कि आप उन्हें रोक के और अपना गाने चलवाने के लिए उनसे लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। देखिए, थोड़े समझने वाली बात है, अपना प्यार का माहौल बना के चलें। सभी भाइयों से यही अनुरोध है, अपने जितने भी बिरादरी भाई हैं, कोई भी अपने बिरादरी वाले 36 बिरादरी हैं, तो सभी एक साथ करके बाबा का मेला बढ़िया तरीके से इन्जॉय कीजिए, ठीक है। अच्छा अनुज भैया, हम लोग अब बात कर लेते हैं, अपना अपडेट देखिए, रोड शो होने वाला है अपना शाकुंभरी यात्रा का, काफ़ी बढ़िया रहता है यात्रा अपना, तो उसको लेकर के थोड़ा सा अपडेट बताइए। मैं इस महीने की आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ जी। अभी जो हमारा 26 का प्रोग्राम है वो तो है हमारा हस्तनापुर। अच्छा, 26 तारीख का जो अपना जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, उसमें एक हमारा डीजे है, बाकी जो मुझे पार्टी ने बताया है जी, एक चौधरी डीजे प्रतापपुर, विराट रावण डीजे मेरठ। अच्छा, और एमजे साउंड, शगुन डीजे किठोर, शगुन डीजे किठोर, और शायद एक दो डीजे और भी होंगे जी, जिनके नाम पता नहीं मुझे या पार्टी वालों ने नहीं बताया जी। जी जी। तो पहली तो हमारी ये है। बिल्कुल। उसके बाद 27 की एक टाटा हमारी बुक है मेरठ से ही, ब्रह्मपुरी से। 27 को जी, 27 को क्या वो है? भी जन्माष्टमी का ही प्रोग्राम, जन्माष्टमी का प्रोग्राम है। एक जाएगी हमारी अमरोहा रामडोल यात्रा में। अच्छा, रामडोल यात्रा बहुत वर्षों से निकलती है वो अमरोहा में। और एक टाटा जाएगी हमारी बरेली, बरेली जी, चक महमूद पुराना शहर बरेली में। अच्छा। पिछले साल भी गई थी, वो इस बार भी जाएगी। और 28 की फिर बरेली में, ये 28 तारीख की, 28 की ठीक है, बरेली के पास ही कोई पड़ता है, कस्बा है गाँव में जी। अभी अमर साउंड गया था मस्त है, हरिद्वार बिल्कुल लास्ट वाले रामपुर वाला, आई थिंक जो बता रहे थे शायद जी, बरेली के आसपास, बरेली के आस पास आई जी, कुछ याद नहीं है मेरे को, थोड़ा ऐसा ही था जी। तो वहीं पे ही का प्रोग्राम हुआ है 28 का। उसके बाद एक तारीख का प्रोग्राम है हमारा बुढ़ाना, बुढ़ाना फर्स्ट टाइम हमारा डीजे साउंड वहाँ पे जाने वाला है बुढ़ाना। ये यात्रा भी काफ़ी समय से निकलती है, फर्स्ट टाइम हम जाएंगे, 16 बेस का सेटअप रहने वाला है इसमें हमारा। अच्छा। उसके बाद हमारी 8 तारीख के करीब से ही शाकुंभरी यात्रा स्टार्ट है, शाकुंभरी यात्रा जी। अच्छा, बदायूं, आपने बताया आपका जो है सेटअप फर्स्ट टाइम जाने वाला है, तो बदायूं में क्या, नहीं बुढ़ाना, बुढ़ाना सॉरी जी, तो बुढ़ाना में क्या होता है अनुज भैया, क्या किस चीज़ की यात्रा होती है वो यात्रा? ऐसे तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन शोभा यात्रा ही है, शोभा यात्रा। और काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ मैं, पिछली बार आपने देखा होगा हमारे एक अनुज भाई हैं खतौली से, अनुज डीजे वाले जी, उन्होंने अपने नाम की जाली बनवाई थी। अच्छा, है ना, फिर वो सेटअप उन्होंने फिर से वहाँ पे लगाया था उस यात्रा में, हरिद्वार से आने के बाद। तो वही यात्रा है वो, उसमें काफ़ी साउंड थे, धड़कन डीजे सिरसली बागपति की तरफ का है। हाँ हाँ, उसमें हाँ, वो भी था। अच्छा, बाकी और भी काफ़ी साउंड थे उसमें, मतलब तो अच्छी खासी बड़ी यात्रा है, अच्छा खासा हो जाता है सभी का सेटअप, ठीक है। तो शाकुंभरी यात्रा को जो लेकर के, देखिए शाकुंभरी यात्रा काफ़ी बड़ी हो जाती है अपनी, तो उसको लेकर के क्या अपडेट रहने वाला है, मतलब कौन सी तारीख को आप लोग निकलोगे और क्या सेटअप रहने वाला है अपना? और वो 8 से ही स्टार्ट है, अगर तो हम 7 की रात में यहाँ से निकलेंगे जी, और रात में ही हम अपना सेटअप रेडी करेंगे। इस बार अभी तक हमने 20 बेस नहीं लगाई अपने टाटा पे, शायद हमारी कोशिश यही रहेगी हम 20 बेस का सेटअप लगाऊंगे इस बार, पहली बार लगेगा मतलब टाटा के। पब्लिक ये नहीं देखती अगर डीजे, अभी तुमने मतलब मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में देखा होगा जी, पब्लिक ये नहीं देखती किसी के में 20 बेस लग रही है और किसी के में 18 या 16 है ना। तो काफ़ी देखी थी मैंने टाटा, वहाँ पर 20 बेस की थी, हमारी में आज तक 20 लगी नहीं है। अच्छा, इस बार हम कोशिश करेंगे 20 बेस लगाएंगे इस बार। चलिए देखिए, फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे धड़कन डीजे अनुज भाई के डीजे पे 20 बेस का सेटअप टाटा पे, ठीक है। आज से पहले लास्ट कितना बेस का सेटअप? 18 लास्ट लगा है मैक्सिमम, देन अब लगेगा अपना 20 बेस का सेटअप। तो उसको लेकर के अनुज भाई, जैसे कि आपने कांवड़ यात्रा में कुछ नया अपडेट करा था, ठीक है, हमने देखा था आप बेस के लिए कुछ नया लाए थे, तो अपना शाकुंभरी यात्रा को लेकर के भी कुछ नया होने वाला है? कल दिल्ली जाऊँगा। कल दिल्ली जाएंगे आप? और जो अभी इंडियन डीजे एक्सपो हुआ था दिल्ली में जी, इनवाइट थे हम ऑडिटोन कंपनी की तरफ से। अच्छा अच्छा। लेकिन समय नहीं मिल पाया कांवड़ यात्रा की वजह से, मुरादाबाद में थे हम। बिल्कुल। तो अब जो भी चीज़ कुछ नई आई होगी मतलब मार्केट में, स्पीकर आया होगा जो सबसे हैवी 21 इंच हो या 18 इंच हो, कोशिश रहेगी कि हम वो लेके आवें। अच्छा। और अभी तक मैंने अपने डाटा में मिड प्रेशर यूज नहीं किए हैं आज तक, ये भी हमारी कोशिश रहेगी कल मैं मिड प्रेशर भी लेकर आऊँ, ठीक है। अच्छा, कौन सी भी कंपनी का लाऊँगा बेस्ट ही लाऊँगा।
मतलब इस बार जो है आप लोग देख सकते हैं मिड प्रेशर भी लीजिए और बीच बीच का सेटअप भी लीजिए। पब्लिक बहुत कमेंट करती है कि आवाज़ पे थोड़ा काम करो। अच्छा, जो भाई अच्छे कमेंट करते हैं आवाज़ पे काम करने के लिए जी, तो उनकी कमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए हम आवाज़ पे काम करेंगे। जो हेट देते हैं हमें कि इनका तो आवाज़ ऐसी आवे वैसी आवे, उनकी कमेंट को हम कोई रिप्लाई नहीं देने का, वो तो इग्नोर कर दिया हमारे, वो अब कर देंगे आवाज़ जो उनकी कमी है। जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि भाई आप मिड प्रेशर भी लगाओ, हाँ, आवाज़ हाँ। पे काम करो, तो उनकी बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल काम करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली मोनू भैया, मैंने सुना जैसे कि अनुज भैया ने बोला है कि जो भी रहेगा अपना हम ऑडियो टोन ही जाएंगे, तो ऑडियो टोन ही बेसिकली अपना आवाज़ के लिए भी यूज़ करने वाले हैं, बेस में तो आप यूज़ कर ही रहे हैं। कल चेक करेंगे जिसका बेस्ट लगेगा। अच्छा, वही लगाएंगे, बाकी 90% तो ऑडियो टोन ही है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो रहने वाली है वो अपनी ऑडियो टोन ही रहने वाली है। हमें बहुत सपोर्ट किया, देखो राहुल भाई, संजय भाई जो है हमारे जी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस बार। ठीक है, देखिए संजय भैया के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, मैं एक्चुअली मैं जानता हूँ। एडवांस ऑडियो के नाम से उनकी जो है शॉप है जी, एक पाल वाले जो बोलते हैं ना, हाँ, उनके बराबर में उनकी शॉप है जी, एक नंबर जैन ओन आदत है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है उनका हमें, बिल्कुल, तो इसलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और उनके पास जो है आई थिंक ऑडियो टोन मार्केट में तो देखो और भी बहुत हैं, पर कोई सही तरीके से बात नहीं करता, तो हमने जाने छोड़ दिया उनके। अच्छा जी, सेट एक नंबर के निकलते हैं ऑडियो टोन के। अच्छा, वही यूज कर रहे हैं हम, बाकी कहीं और भी मिलते हैं समझने वाले सब समझ जाएंगे कि किन्हें कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा मैं नाम नहीं लूँगा जी, तो बस यही है, वो देखो हमारे लिए है वहाँ पर, अगर हम ही उनके पास नहीं जाएंगे तो बताओ, तो इसलिए ग्राहक से प्यार से ही बात करनी चाहिए। हमारे पास भी अगर कोई हमें बुक करना आता है डीजे जी, तो हम भी उनसे प्यार से ही बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए जब वहाँ पे एक्सपो लगा हुआ था ना जी, तो आपके पास जब आपने वीडियो डाली थी कि आपके पास 21 इंची भी आया है, कुछ नया ब्लू कलर का स्पीकर था आई थिंक, तो मैं एवेंजर सीरीज है नई सीरीज, तो मैं वहीं पर था, मुझे संजय भैया ने बताया था कि कल रात ही गई है नई सीरीज गई है, और आप वहाँ पे थे आई थिंक मुरादाबाद के मेले के लिए गई थी, तो हम वहीं पे थे, मतलब काफ़ी अच्छा रह रहा है आपको, मतलब एक ऑडियो टोन जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज़ में। जो फिलहाल नाम चल रहा है ना, वो वाइब्रेशन के मामले में हमारा ऑडियो टोन की ही वजह से चल रहा है जो बात है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ कन्फर्म करना चाहता हूँ, ये जो है अनुज भैया यूज़ कर रहे ऑडियो टोन, बट हमारी तरफ से कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, ठीक है जी, बिल्कुल हाँ, ऑडियो टोन की तरफ से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अनुज भैया अपनी तरफ से बोल रहे हैं जी। ठीक है, तो अनुज भैया आपने बताया यार देखिए मिड प्रेशर भी रहने वाली है, तो मिड प्रेशर वॉइस में क्या आपको ये लगा, ऑडियो में जो है अपना वोकल्स में क्या मिड प्रेशर से ही, हमने हमारे जानने वालों को बहुत में है, हमने सुने हैं उनकी आवाज़ काफ़ी मिड जो है ना हैवी होती है, मतलब अपने हाइट से, हाँ हाँ। हमारे जानने वालों पे बहुत, लेकिन हमने सोचा कि नहीं हमें अभी बेस पे काम करना, बेस पे काम करना, हाँ। तो इसलिए हमने ज़्यादातर बेस पे ही काम किया है, बाकी अब वाइब्रेशन पे बहुत काम कर चुके हैं हम, तो थोड़ा आवाज़ पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब अब जो है वाइब्रेशन पे अपना कंप्लीट हो चुका है, अब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं कि अब जो है बेस का अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हमें मूव करना है वॉइस की तरफ को, तो उसको लेकर के अपग्रेड होने वाला है, और वो हमें देखने को मिल जाएगा शाकुंभरी यात्रा में। बिल्कुल, ये उससे पहले जो यात्रा है उनमें भी हमें उम्र यात्रा में ही देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि क्वालिटी जो है ना जी, जो जेन्युइन होगी बिल्कुल, वही हम पब्लिक को देने की कोशिश करेंगे इस बार। बिल्कुल, देखिए काफ़ी कुछ बताया हमारे अनुज भाई ने, और अभी जो है शाकुंभरी यात्रा ऑलमोस्ट 15-20 दिन दूर है, ठीक है 8 तारीख से स्टार्ट, 12 तक हो जाएगी पूरी, तो 13 से फिर 13 सितंबर मतलब इससे हमारी जो है गणेश विसर्जन की यात्रा है, फिर ये अपने रोड शो इनमें होंगे, 13 से रेगुलर है 17 तक। अच्छा, 13 से 17 तक रेगुलर जी, है जी, ठीक है, अपने मेरठ में भी है, बदायूं, बरेली साइड सब जगह है, ठीक है। बाकी देखिए हमारे कुछ ऐसे भाई लोग होते हैं जो अपनी कमेंट करते हैं, और कुछ कमेंट जो है मतलब रह जाती हैं, जिनके क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं मगर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो हम ये बोलेंगे अनुज भैया हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं ना वो हमें इंस्टाग्राम पे जा करके DM करेंगे, जो भी उनके क्वेश्चन होंगे हम एक डेट तय कर लेंगे, लाइक आप लोग जो है अपना कमेंट कर सकते हैं 5 दिन, आज 20 तारीख है, आप 25 तारीख तक कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन हो धड़कन डीजे से रिलेटेड, बिल्कुल हम बिल्कुल ट्राई करेंगे एक बड़े से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना उन सबका आंसर देने के लिए। बिल्कुल, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो उनका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, देखो बिल्कुल, और वो 28 तारीख के बाद में मिल पाऊंगा, देखो मैं 25 के बाद से, तो 25 से कोई बात नहीं, एक से पहले डाल देना आप। अच्छा, उनका कमेंट का रिप्लाई देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए तो आप लोग एक काम कीजिए, आप 28 तक ही DM कीजिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए हमें, राहुल शरण डीजे ब्लॉग्स के नाम से ही, वहीं पे आप अपना क्वेश्चन मैसेज कीजिए, ठीक है। ठीक है अनुज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कीमती समय दिया, धन्यवाद राहुल भाई यार, कीमती समय नहीं, देखो एक ही मिलना हो जाता है आपस में, बिल्कुल सही बात है, आप भी आते हो हमारे पास, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आपका धन्यवाद भैया, बिल्कुल। अच्छा अनुज भैया एक चीज़ हम पूछ लेते हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे भाई लोगों को, मेरठ में बहुत ही प्रसिद्ध हमारे अर्जुन भाई बालाजी जनरेटर,
अर्जुन जनरेटर वालों का ये गोदाम है जी, तो उन्हीं के पास श्री बालाजी जी, श्री बालाजी जनरेटर जी, अर्जुन भाई हमारे बड़े भाई, बहुत से भाई हमारे जानते होंगे डीजे वाले जितने भी। बिल्कुल जी। चलिए भैया, और मोनू भैया आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे भैया? श्री बालाजी जनरेटर पंचवटी रोड, पंचवटी रोड ठीक है। और कुछ मोनू भैया? अर्जुन भाई का नाम लेकर कोई भी किसी भी टाटा वाले को किसी भी डीजे वाले को जनरेटर की नीड हो तो एक नंबर का जनरेटर देते हैं हमारे अर्जुन भाई। बिल्कुल। और बाकी साउंड अपना है ही, धड़कन डीजे हमारे दोनों भैया बैठे हैं, टाटा एक बाहर खड़ी हुई है, आप दिखा भी देना अपने। अच्छा, एक बाहर टाटा खड़ी हुई है, जनरेटर के लिए खड़ी हुई है, जनरेटर के लिए। देखो एक नोवेटा से भी टाटा हुई है। अच्छा, मतलब बहुत भाई हमारे डीजे वाले जो यहाँ से जनरेटर यूज करते हैं। बिल्कुल। चलिए, बदायूं, राजस्थान, हरियाणा सब जगह अर्जुन भाई के जनरेटर जाते हैं। हां, बदायूं राजस्थान तक भी, हरियाणा तक सब, हरियाणा अकेला किंग पे भी यहीं से जनरेटर। अच्छा, अकेला किंग पे भी, ग्रेटर नोएडा सब अपना क्षेत्र इधर मवाना बिजनौर, मतलब जनरेटर अर्जुन भाई का नाम है, मतलब टाटाओं में जनरेटर इनके मिलेंगे आपको। अच्छा, एक्सपर्ट है जो हमारे लिए है ना, हमारे लिए अर्जुन भाई की सर्विस एक नंबर है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है इनकी फोन करते हैं तो तुरंत हमारे लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं, जैसे संजय भैया वैसे अर्जुन जी। जी जी। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम जो है ना, एक बहुत अच्छा एक और ब्लॉग आएगा आपको, जो उसमें मतलब कुछ नया ही देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हमारे अनुज भैया का भी चैनल है, धड़कन डीजे नंबर वन मेरठ के नाम से है। धड़कन अनुज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जी, डीजे धड़कन नंबर वन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बिल्कुल फॉलो कीजिए। और हमारे मोनू भैया भी अब स्टार्ट करने वाले हैं फटाफट से यूट्यूब। मोनू भैया आप भी स्टार्ट कर दो, मुझे समय ना मिलता बहुत कम। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं मतलब बस मजाक कर रहा हूं। आपके सभी व्यूअर्स से बस यही कहना चाहूंगा, अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ, हमारे राहुल भाई के साथ, बाकी सभी भाइयों के साथ अपना बना के रखें। बिल्कुल पूरा, सभी भाई है, बिल्कुल सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री, जय श्री राम। गाइस, ये अपने धड़कन डीजे की गाड़ी जो कि आई हुई अपना जनरेटर लोड होने के लिए, और जैसे कि बताया हमारे श्री बालाजी जनरेटर्स वाले हैं, हमारे अर्जुन भैया वहाँ सामने रखे हुए हैं जनरेटर्स, और भी हमारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गाड़ी आई हुई है यहाँ पे। और भैया ने जैसे कि बताया अपना नोएडा और राजस्थान वगैरह सब यहीं से जाती है, बताइए हरियाणा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है अपना अर्जुन भैया का जो अपना ऑफिस है यहाँ पे बना हुआ है, और यहीं पे अपने जनरेटर रखे हुए हैं श्री बालाजी जनरेटर्स के नाम से है, और ये अपने अनुज भाई। ब्लॉग पसंद आया तो प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़े तरीके से सपोर्ट कीजिए।